हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशंस के लिए। स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं कल इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक्स में ट्रेड लेना है। सो मैंने आपको निफ्टी बताया था कि निफ्टी हमारा व्यू बुलिश है और 9500 9700 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं कल के वीडियो में। लेकिन आज का अगर आप कैंडल देखो, आज ऊपर के लेवल से स्ट्रेट अवे हमें सप्लाई देखने को मिली और आज का जो कैंडल है ये काफ़ी नेगेटिव है। अब लास्ट दो दिन में इतनी वोलेटिलिटी हो चुकी है तो कल एक्सपायरी है, तो कल मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा फ्लैट टू साइडवेज रह सकता है क्योंकि दो दिन में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हुई है। और आज साइकोलॉजिकल एक गेम समझिए कि आज बहुत सारे लोगों ने कॉल या पुट बाई किया होगा। एफएमके स्पीच था 4 बजे, तो उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत सारे लोगों ने कॉल या पुट बाई किया होगा, इसलिए मुझे लगता है हायर चांसेस है कि कल थोड़ा फ्लैटिश मार्केट रह सकता है क्योंकि ज़्यादातर लोग मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड लास्ट दो दिन में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो चुकी है। तो मुझे लगता है, मेरा व्यू है कि मार्केट फ्लैटिश रेंज बाउंड कल ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। सो निफ्टी में कल साइडवेज मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी में व्यू अभी साइडवेज है। बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है 19,000 से 19,500 ये रेंज के आसपास ही निफ्टी बैंक निफ्टी रहेगा। बैंक निफ्टी में भी आज का कैंडल बेरिश कैंडल ही है और मुझे लगता है कल थोड़ा ये साइडवेज रह सकता है, इसी रेंज के आसपास रह सकता है और हो सकता है कि गैप थोड़ा फिलअप करे। तो 19,000 ये रेंज में एक्सपायरी होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं। अब स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। कल मैंने आपको स्टॉक बोला था एक हैवेल्स बाय, मैंने आपको लॉजिक भी समझाया था कि रिजल्ट के पहले एग्रेसिव शॉर्ट्स है, एक हैमर फॉर्मेशन है और मैंने ये बाय दिया था हैवेल्स 480 के लेवल के आसपास। आज इसमें करीबन 515 तक के लेवल्स हमें देखने को मिले। अगर आपने ये स्टॉक में ट्रेड किया और प्रॉफिट कमाया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यस, हैवेल्स मैंने ट्रेड किया है, मेड सम प्रॉफिट्स। मैंने आपको इंडिगो भी बाय बोला था 1000 के ऊपर, इंडिगो गया ऊपर 1040 का जो हमारा टारगेट था वो अचीव हुआ, उसके बाद वापस नीचे आया है। इंडिगो में भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिला। ऑरोफार में एक ब्रेकआउट ट्रेड था बट एक फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, सो हमने 683 के आसपास पोजिशन को एग्जिट कर दिया। एक साइकोलॉजिकल पार्ट समझिए, फॉल्स ब्रेकआउट है सो प्राइस से फाइट करने की कोशिश मत कीजिए। अगर प्राइस वापस नीचे आ रहा है फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद तो लॉन्ग पोजिशन को एग्जिट कर दीजिए, प्राइस के साथ फाइट मत कीजिए। और लॉसेज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो उसमें हो सकता है 2-3 ट्रेड ऐसे लॉस वाले होंगे, नेट ऑफ में प्रॉफिट आना चाहिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट कल के ट्रेडिंग में सेशन में कौन सा स्टॉक हमें ट्रेड करना है। सो सबसे पहला स्टॉक होगा कोटक बैंक। कोटक बैंक अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ये पूरा सेटअप एग्रेसिवली बेरिश है, वीक है एंड 1200 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई हमें देखने को मिल रही है। कोटक बैंक एक काफ़ी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में लेवल्स बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक होगा ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा भी अगर आप देखें, यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस में है ये स्टॉक और अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो एक अच्छा खासा एक स्मॉल ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनता है और अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो मुझे लगता है यहाँ से एक 10-15 रुपये का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो ग्लेनमार्क फार्मा भी काफ़ी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशंस के लिए। नेक्स्ट कॉल होगा कॉनकोर बाय। कॉनकोर में काफ़ी अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली आज और इसने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दिया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लगता है यहाँ से 395-400 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो कॉनकोर काफ़ी अच्छा बाय कैंडिडेट रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए। तो ये था एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। कल एक्सपायरी है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें ये देखने को ज़्यादा मिलेगा और ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत साइडवेज रहे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये था एनालिसिस कल के लिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।